दिल्ली की अदालत में शराब पॉलिसी मामले में बीआरएस लीडर कविता की अदालती तहवील में 20 मई तक तौसी कर दी गई है। रॉयस एवेन्यू कोर्ट ने तहकीकात के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दाखिल करदा छठी इजाफी चार्जशीट के दलायल पर गौर को मुलतवी कर दिया। गुज़िश्ता जुमे को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इंसदाद के तहत 200 सफात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की थी। कविता के अलावा आम आदमी पार्टी की तशहीरी मुहिम की कंपनी के 3 मुलाजमीन दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और चंद्रप्रीत सिंह जिम्मेदारों के अलावा इंडिया न्यूज़ चैनल के साबिक मुलाजिम अरविंद सिंह का नाम इस नई चार्जशीट में शामिल किया गया। कविता को 15 मार्च को ईडी ने बंजारा हिल्स में उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन पर इल्ज़ाम है कि वो साउथ ग्रुप की अहम रुकन है जिसने कौमी दारुल हुकूमत में शराब के लाइसेंस के बड़े हिस्से के बदले आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत अदा की थी।